वो व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग हैं जो अपने नाम में काम नहीं करते हैं। जी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि चीन जैसे पूरा फेसबुक को कह दिया तुमको आना, तुम नहीं आ पाओगे, गूगल को कह दिया ना। हमारे देश में भी फेसबुक का जितने सारे सूचना है इसका दुरुपयोग कर रहे, इसका माध्यम का दुरुपयोग हो रहा है। फेसबुक किस तरह से फेक न्यूज का या डिसइंफॉर्मेशन के उसके डिसमिनेशन का एक माध्यम बन गया है, तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी के लिए भी एक खतरा बनता जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जिसके पास पैसा है फेसबुक तो पैसा कमाने के लिए आए, अपना जो मुनाफा है वो मैक्सिमाइज करने के लिए कर रहे। चुनाव में फेसबुक हथियार बन गया, जो सत्य में है राजनीतिक दल है और बड़े बड़े कॉर्पोरेट है। फेसबुक खुद बहुत बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट है। आप फेसबुक के लिए एक प्रोडक्ट बन गए, आप फेसबुक व्हाट्सएप के लिए एक एक तरह से एक सेवा बन गया। और 50 बार आप एक गलत खबर आपके पास मिलेगा आप विश्वास करने के लिए तैयार। कुछ संस्थाएं हैं, 6-8 संस्थाएं हैं, पूरा इसके ऊपर इनका नियंत्रण है। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर नियंत्रण है। फेसबुक का असली चेहरा क्या है? क्या वो वास्तव में हमें जो दिखाई देता है वही है, या फिर जब फेसबुक या सोशल मीडिया की हम बात करते हैं ये ताकतवर लोगों के हाथों में का नियंत्रण है, इसकी जो बागडोर है वो कॉरपोरेट्स के हाथ में है, या फिर इकोनॉमिक और सोशली जो लोग पावरफुल हैं, धन बल जिनके पास ज्यादा है उनके हाथ में है। व्हाट इज द रियल फेस ऑफ फेसबुक, जानने की कोशिश करेंगे हम सीनियर जर्नलिस्ट परन जॉय गुहा जी से। बहुत बहुत स्वागत है परन जॉय जी आपका हमारे कार्यक्रम में। परन जॉय की किताब द रियल फेस ऑफ फेसबुक इन इंडिया, इस किताब के बारे में हम चर्चा करेंगे कि फेसबुक का असली चेहरा क्या है और व्हाट इज द रियल फेस ऑफ फेसबुक इन इंडिया। परन जॉय, क्या है फेसबुक का असली चेहरा? धन्यवाद पूर्णिमा जी, आपका यूट्यूब प्रोग्राम में आपने हमें बुलाया। देखिए, आज विश्व में बहुराष्ट्रीय संस्था है फेसबुक, फेसबुक अकेला नहीं है। फेसबुक एक बहुत बड़ा एक संस्था है, इसमें व्हाट्सएप है जी। और इंस्टाग्राम भी है। विश्व में इतना बड़ा सोशल मीडिया मोनोपोली, एक तरह से डिजिटल मोनोपोली और कोई है नहीं। ये किताब मैं सिरिल सैम और मैं, हम दोनों मिलकर अंग्रेजी और हिंदी में हम लोग प्रकाश किया, क्योंकि हम जो हमारे पाठक हैं, जो आपका चैनल का दर्शक है, उनको कहना चाह रहा हूँ कि इस माध्यम किस तरह से एक हथियार बन गया जो आज हमारे सत्ते में है, किस तरीके से इसका दुरुपयोग हो रहे। आज दक्षिणपंथी राजनीति में जो विश्वास करते हैं, जिन लोग हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, राष्ट्रवाद अपने आप कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, मगर असलियत क्या है? ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक के माध्यम से एकदम झूठा खबर जो सच नहीं है, असत है, जो लोगों को लोगों एक समाज के बीच हिंसा फैला देते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच जो भाईचारा है ये खत्म करने चाहते हैं, इस तरह से ये माध्यम का दुरुपयोग हो रहा है। और मैं समझता हूं आज नहीं, कुछ सालों से हो रहे जी। और फेसबुक को मालूम है, उनका जो माध्यम है सोशल मीडिया जो है, व्हाट्सएप जो है, वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम मासूम है, उसको कुछ भी मालूम नहीं है क्या हो रहा है। उनका कहना है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, और अगर कोई एक राजनीतिक दल या कोई एक संस्था हमारे मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है तो और भी लोग इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये विषय थोड़ा जटिल है। पहला बात यह है कि फेसबुक व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग हैं जो अपने नाम में काम नहीं करते हैं जी। और किसी ABC बन गया, बन गया तो अपना नाम वो पर्दे के पीछे रहते हैं। जिस तरह सोशल मीडिया आया था तब ये कहा गया था ऐसे कि कम्युनिकेशन का डेमोक्रेटाइजेशन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि ये फेक न्यूज को और फॉल्सहुड को फैलाने का एक माध्यम बन गया सोशल मीडिया, जिसमें फेसबुक भी शामिल है। बिल्कुल ठीक है आपने, फेसबुक 15 साल की उम्र है जी। और आप अगर इंटरनेट ये माध्यम देखेंगे कितना, 27 साल है, तो उम्र बहुत कम है। एक समय लोग सोचा था कि पूरा ये जो इंटरनेट माध्यम जो कमजोर है, जो अनपढ़ है, उनको ज्ञान मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, सूचना मिलेगा, मगर
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह से जिस तरह से इसका दुरुपयोग या एकदम विपरीत इनका असर पड़ा। ये लोकतंत्र में जो विश्वास नहीं करते हैं, जो तानाशाही में विश्वास करते हैं, झूठे खबर फैला गया है, ये पूरा विश्व में हम देखा। और ये हमारी जो किताब है किस तरह से भारतवर्ष के बारे में हम देखा था, आपको मालूम है कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च में एक व्यक्ति लोगों को हत्या किया और वो फेसबुक लाइव दिखाया। हमारे देश में कम से कम 25-30 ऐसे मॉब लिंचिंग का केस है जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से एक तरह से फेसबुक व्हाट्सएप का कोई सूचना या व्हाट्सएप का माध्यम का दुरुपयोग किया। जो राजस्थान में जो राजसमंद जिला में जो सेंगार ने जो किया, एक व्यक्ति का हत्या किया और वो भी फेसबुक में का, झारखंड में भी हम देख रहे। तो आज मैं सोचता हूँ तो एक तो फेसबुक को अपने आप के ऊपर नियंत्रण लाना बहुत जरूरी है। तो आप मानते हैं कि फेसबुक को खुद को रेगुलेट करने की जरूरत है और उन्होंने सरकार को भी इसमें लाना पड़े। फेसबुक कह रहे हैं कि हमारा एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, कौन क्या भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, हमें मालूम नहीं है। और सरकार भी बहुत बार उनसे पूछा कि हमें बताइए, किसी ने कुछ गैर कानूनी काम किया, किसी ने खून किया, किसी ने बलात्कार किया, अश्लील कुछ किया या एकदम हिंसा का तस्वीर आप दिखा रहे, इसके ऊपर आप कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैं समझता हूँ कि अगर फेसबुक कुछ नहीं करेंगे तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि फेसबुक जैसी मल्टीनेशनल कंपनी, उसको भारत की सरकार के लिए पॉसिबल है या भारत के लिए पॉसिबल है कि उसको रेगुलेट करना? आसान काम नहीं है, मगर हमें इस रास्ता से आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि चीन जैसे पूरा फेसबुक को कह दिया तुमको आना ना, तुम नहीं आ पाओगे, गूगल को कह दिया ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जिम्मेदारी से आप काम नहीं करेंगे हमारे देश में, अगर आपका जो माध्यम का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो हिंसा फैला रहे, गलत खबर लोगों के पास वितरण कर रहे, ऐसे लोगों को अगर आप नियंत्रण नहीं करेंगे तो सरकार का मैं समझता हूँ कुछ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। देखिए कुछ दिन पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक का सारी सूचना गैर कानूनी तरह से लिया और उसका दुरुपयोग किया और इसके लिए बहुत बड़ा एक घोटाला हो गया। पूरा विश्व में लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे देश में भी फेसबुक का जितने सारे सूचना है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका माध्यम का दुरुपयोग हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कहेंगे कि हमारा इसमें कोई भूमिका नहीं है। फेसबुक कांट से आई हैव नथिंग टू डू विद इट, दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। कुछ ऐसे दूसरे देशों के भी उदाहरण हैं आपके पास, एग्जांपल्स हैं जहां फेसबुक या और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की कोशिश हुई और वो कारगर साबित हुई? देखिए आज यूरोप में बातचीत हो रहा है, फ्रांस में बात हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम में भी बात हो रहा है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में भी, वहां के जो न्यूजीलैंड का जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी बात किया, और भी देशों में इसके इस विषय के ऊपर बातचीत हो रहे हैं। आज अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव अभी भी समय है, एक उम्मीदवार है डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार, वो खुद कह रहे हैं कि फेसबुक को एकदम इसको जैसे एक समय जो बेल AT&T को अलग अलग टुकड़े में इसका हिस्सा बना दिया और एक दूसरे टुकड़ा में एक अलग अलग जो एंटिटीज हैं एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे, प्रतिद्वंदिता होगा, शायद यही आज रास्ता है कि इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा ये बहुराष्ट्रीय संस्था बन गया तो इसको बाय लॉ बाय स्टैट्यूट इसको शायद छोटा छोटा करके एक दूसरे के साथ कंपीट करना जरूरी है क्योंकि ये मोनोपोली हो गया जी। सोशल मीडिया मोनोपोली हो गया, तो सोशल मीडिया की जो मोनोपोली हो गई है वो चैलेंज बन रही है सरकारों के लिए भी और डेमोक्रेसी के लिए भी, क्योंकि आज इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि फेसबुक किस तरह से फेक न्यूज का या डिसइंफॉर्मेशन के उसके डिसामिनेशन का एक माध्यम बन गया है, तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी के लिए भी एक खतरा बनता जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जिसके पास पैसा है जी, फेसबुक तो पैसा कमाने के लिए आए हैं, अपना जो मुनाफा है वो मैक्सिमाइज करने के लिए कर रहे हैं, मगर साथ साथ जो उनको पैसा देंगे इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं पैसा देके। बहुत सारे आज सूचना आए हैं, हफ पोस्ट का पूरा रिपोर्ट आ रहा है
किस तरह से एक तरह से ये चुनाव में फेसबुक हथियार बन गया। और अगर आप ये किताब बारीकी से पढ़ेंगे, हम बहुत सारे हमने उदाहरण दिया किस तरह से इसका दुरुपयोग हो रहा है, पुलवामा का घटना के बाद हो रहे, आज भी हो रहे। अगर हमारे देश में आज फेसबुक और फेसबुक से ज्यादा व्हाट्सएप का इतने लोग आज इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे देश में 135 करोड़ लोग हैं, इसमें लगभग 99 करोड़ लोग मतदान करने के लिए उपयोग है, मतदाता है। आज भारतवर्ष में 100 करोड़ से ज्यादा TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास उनका जो सूचना है, लगभग 120 करोड़ सिम है। यानी कि सिम का मतलब है वो जो छोटा चिप जो आपका जो टेलीफोन है, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है, जो आपका जो दूरभाष यंत्र है, इसके बताते हैं। मतलब आदमी से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा भारतवर्ष के ज्यादा जगह में, शहरी इलाका में आदमी से ज्यादा है सिम। और समझ लीजिए इसमें से 70 करोड़ के आसपास मोबाइल हैंडसेट्स है और ये दूरभाष यंत्र है, और इसका लगभग आधा के आसपास लोग आज मोबाइल हैंडसेट से इंटरनेट का उपयोग कर रहे। तो हमारे पास आंकड़ा है जो अब मेरा पास नहीं, सब लोग के पास है, मगर ये आंकड़ा एकदम प्रिसाइज नहीं है कि 90 करोड़ अगर मतदाता है, इसमें लगभग 30 करोड़ लोग आज व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे। सो 1 out of 3 वोटर्स और पोटेंशियल वोटर्स आर टूडे यूजिंग व्हाट्सएप। जी, तो जिस तरह हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से ये गलत खबरों के प्रचार प्रसार का माध्यम बन रहा है फेसबुक, तो क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि कॉरपोरेट ताकतें हैं या सोशल या इकोनॉमिक जो ताकतें हैं, उन लोगों ने सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर कब्जा कर लिया है? बिल्कुल, जो सत्य में है राजनीतिक दल है और बड़े बड़े कॉरपोरेट है। फेसबुक खुद बहुत बड़ा एक कॉरपोरेट है। तो ठीक है, आपने पैसा कमाने के लिए आए हैं, मगर साथ साथ आपको एक तरह से एक जिम्मेदारी से काम करना जरूरी है। आप एक तरह से आपको संवेदनशीलता दिखाना चाहिए, क्योंकि आपका माध्यम को जब दुरुपयोग कर रहे हैं लोगों ने, कुछ लोगों ने, आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें हमारा कोई भूमिका नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। फेसबुक के डेटा लीक मामले की बात करते हैं, कितना गंभीर है ये मामला और क्यों? बहुत ही गंभीर है। कैम्ब्रिज एनालिटिका जो मिला है वो एक छोटा हिस्सा, अगर कैम्ब्रिज एनालिटिका इस तरह से इस सूचना का दुरुपयोग कर सकते हैं, फेसबुक इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। फेसबुक के लिए आप समझते हैं कि हम इनको मुफ्त में मिल रहे हैं, आप समझते हैं कि जो हमारा दोस्त बन गया, फ्रेंड बन गया, वो सचमुच हमारा दोस्त है, मगर ये असलियत नहीं है। आप फेसबुक के लिए एक प्रोडक्ट बन गए, आप फेसबुक व्हाट्सएप के लिए एक तरह से एक सेवा बन गया। आप क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, आपका विचारधारा कौन सा साइड है, कौन राजनीतिक दल को आप पसंद करते हैं, कौन आपका दोस्त है, ये सारे जो सूचना उन लोगों ने उनके पास है और ये बेच रहे हैं पैसा कमाने के लिए। जी, और देश में लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, लोकसभा इलेक्शन 2019 चल रहे हैं, ऐसे में सोशल मीडिया के रोल और फेसबुक के रोल पर आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़ गया, और मैं समझता हूँ जिस तरह से हमारे जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिस तरह से उसको एक तरह से प्रोएक्टिवली बहुत कुछ करना चाहिए, नहीं कर पा रहे, बहुत समय ले रहे काम करने के लिए, और बहुत सारे लोग इसमें, कोई रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, IAS ऑफिसर, कोई सामाजिक एक्टिविस्ट है, बहुत सारे लोग, मीडिया के लोग, हम लोग उनको भी EC के पास, इलेक्शन कमीशन के पास हम लोग निवेदन किया कि आप कुछ कीजिए, ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं लोग, ये पैसा आप दिखा रहे हैं, आपका जो भी राजनीतिक दल है उनका खाता में आप दिखा रहे हैं, आप एक विज्ञापन जो एजेंसी है जो कहीं पार्टी या कहीं उम्मीदवार के ऊपर खर्च कर रहे हैं, वो क्या आप दिखा रहे हैं? तो एक तरह से आप कह रहे हैं कि एक राजनीतिक दल जब खर्च करेंगे, ठीक है, आपको मालूम हो जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, मगर इन लोग वॉलंटियर बन जाते हैं, प्रॉक्सीज हो गया। हफपोस्ट ने एक बार बहुत ही एक विस्तार से दिखाया कि किस तरह से अमित शाह एक संस्था बनाया और किस तरह से ये लोगों को अपने आप को कहते हैं वॉलंटियर्स, मगर काम कर रहे पूरा राजनीतिक कर, इसके ऊपर है ट्रोल्स, और हमें मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है कितने पैसे कौन किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये कौन है व्यक्ति, ये तो पर्दे के पीछे रह रहे हैं। जी,
अपना जो परिचय है नहीं देने के लिए तैयार है। तो ये मैं समझता हूँ ये पूरा हमारे देश का लोकतंत्र के लिए भी एक खतरा बन जाता है। उम्मीद है कि हमारे देश को जो आम नागरिक है, आम जनता है, वो समझदारी से काम करेंगे और जो उनका व्हाट्सएप में, उनका दूरभाष यंत्र में जो आ रहे हर रोज, ये विश्वास नहीं करेंगे। अगर ये झूठा खबर का एक होता है ना कि लोगों को दे ट्राई इमोशनली एक्साइटमेंट, और 50 बार आप एक गलत खबर आपके पास मिलेगा, आप विश्वास करने के लिए तैयार। मैं आशावादी हूँ कि जो आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो आम हमारे नागरिक है उसके हाथ में जो मोबाइल फोन में जो कुछ आते हैं, ये विश्वास मत कीजिए। तो जब हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर, तो ये सवाल भी जहन में आता है कि कहाँ से इतनी प्रोपेगेंडा, कहाँ से इतनी फेक न्यूज आ रही है, और आम लोग हैं अब वो कैसे हैंडल करें इन फेक न्यूज को, वो इनसे किस तरह निपटे, उनका क्या रिएक्शन हो जब इस तरह की चीजें उनके मोबाइल फोन पर, आपके पास जो भी आते हैं अब इसको तुरंत फॉरवर्ड मत कीजिए। अब लोगों से पूछिए यह तस्वीर क्या सच है या किसी ने फोटोशॉप किया। एक तस्वीर दिखाया कि राहुल गांधी जो पुलवामा का जो आतंकवादी है उसको ऐसे गले लगा रहे, पूरा एकदम फेक खबर है। बहुत सारे आप किसी के बारे में भी, ये कहीं राजनीतिक दल हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी हो सकता है, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ते में है और उनके पास पैसे भी सबसे ज्यादा है, मगर मैं जो आम जो नागरिक है हमारे देश में, पहला बात की आप सबको विश्वास मत कीजिए, और तुरंत आप ना जान के आप 10 लोगों के पास इसको, या 10 क्यों, हजारों लोगों के पास इसका वितरण मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो चीज आपके पास ये व्हाट्सएप में आ रहे ये सच नहीं है, ये एकदम गलत खबर है। इट इज ऑल एम्ड एट, इसका कोई एक जो कर रहे है इसका एक लक्ष्य है, एक कोई इसका उद्देश्य है, और ये आपको अलग अलग तरीका से आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करना। जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब फेसबुक आया था या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया था, तब ये लगा था कि इससे जो हमारा कम्युनिकेशन है वो डेमोक्रेटाइज होगा, डेमोक्रेटिक होगा, लेकिन अभी क्या ऐसा लगता है कि फेसबुक से वो उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई है? बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि ये सचमुच डेमोक्रेटाइज नहीं किया। सचमुच आज अगर हमारा इंटरनेट एक तरह से एक पब्लिक गुड बन जाते हैं, जैसे जो हवा है या पानी है या जमीन है या बिजली है, आज वो नहीं है। कुछ संस्थाएं हैं, 6-8 संस्थाएं हैं, पूरा इसके ऊपर इनका नियंत्रण है। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर नियंत्रण है। इसमें सबसे बड़ा है गूगल, और गूगल के साथ है यूट्यूब, साथ साथ इन्हीं के आसपास है फेसबुक, फेसबुक के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, और भी ऐसे संस्थाएं हैं, एप्पल है, और भी आपका अमेजोन है, आपका चीन से आए हैं अलीबाबा है, नेटफ्लिक्स है, ये 6-8 संस्था, पूरा जो इंटरनेट, आपने सोचा कि हर व्यक्ति को मदद मिलेगा, हर व्यक्ति के पास सूचना मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, सचमुच ये 6-8 संस्थाएं अपने मुनाफा के लिए इस लोगों के ऊपर ये सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या 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 सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आप उनके लिए एक 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 सामग्री बन गए, प्रोडक्ट बन गए, आप उनके लिए एक सर्विस बन गए। आप समझते हैं वारे वाह, आपको तो सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, बट यू हैव बिकम अ प्रोडक्ट, यू हैव बिकम अ सर्विस फॉर देम। So now that if you are using social media platform, you have become a product for them. तो कहीं ना कहीं अब वो प्रिवेसी नहीं बची है। अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है तो अब आपकी प्रिवेसी अब भूल जाएगी। यही तो दुख की बात है कि लोग समझ में नहीं आ रहे, उसको अभी भी समझ में नहीं है कि आप जो कुछ कर रहे हैं ऑनलाइन में, कोई ना कोई ये तरह से इसको आप भविष्य में आपका जो प्राइवेसी है इसके ऊपर, एंड इट इज रियली द गवर्नमेंट, एंड इट इज रियली जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, जो ये सब करने चाह रहे, दे आर द पीपल हु आर कंट्रोलिंग थिंग्स। जी, जब ये फेसबुक आया था या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए थे, तो बहुत सारे इश्यूज को ऐसा लगा था जगह मिल रही है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलती थी, वो आज भी मिल रहे, मगर साथ साथ झूठे खबर, जो खबर आप विश्वास नहीं करते उसको भी आ रहे, तो एक तरह से दो धारा तलवार है ना। जी, जो आपके पास जो एक अंग्रेजी में स्कैल्पेल जिसको कहते हैं, बहुत धार है वो आपका जो तलवार के, वो एक
अगर सर्जन के पास है, एक डॉक्टर के पास है, तो ऑपरेशन के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका फायदा होता है। मगर वही जो चाकू है, वही जो तलवार है, लोगों को एकदम दे कैन इंजर यू, दे कैन मेम यू, और आपको मर्डर भी कर सकते हैं, आपको आप एक हथियार बन जाता है। सो इट्स हाउ यू यूज दैट मीडियम, दैट्स व्हाट मैटर्स। और दुख की बात है कि चुनाव के पहले और चुनाव के सब इसका जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, मैं समझता हूँ भारतवर्ष का इतिहास में और विश्व के इतिहास में इस स्केल में कभी नहीं किया लोगों ने। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, आप सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, और हमारा मीडिया बिजनेस की अगर हम बात करें तो उस पर फेसबुक किस तरह से असर डाला? सब लोग आज ये मीडिया में है, आप बोलिए ना, किसके पास फेसबुक पेज नहीं है? कौन हमारे लोक माध्यम का संस्था है जो आज इंटरनेट में अपना वेबसाइट नहीं है जी। जो फेसबुक का मदद नहीं कर रहे, मदद नहीं ले रहे। सो दिस इज ऑल बिकम पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, द होल डिजिटल सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट दैट वी आर लिविंग इन टुडे। आपको अभी अभी मैंने कहा कि आज भारतवर्ष में हर 3 वोटर जो है उसमें 1 वोटर के पास आज व्हाट्सएप है, कम से कम, बहुत कम से कम। व्हाट्सएप ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े शहर में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, नहीं जी, एकदम छोटे छोटे गांव में लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं। और दुख का बात है उसको अच्छा शिक्षा नहीं मिलता है। जैसे रवीश कुमार बोलते हैं, वो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में समझते हैं कि हाँ शिक्षा मिलेगा, अच्छा उसका शिक्षक नहीं मिला, अच्छा विश्वविद्यालय और या कॉलेज में उसका शिक्षा मिलने का मौका नहीं मिला, या आर्थिक क्षमता नहीं है, तो ये सब व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में वो विश्वास करना शुरू कर दिया। और ये बहुत खतरनाक है, मैं समझता हूँ भारतीय समाज के लिए और देश का एक तरह से स्थिरता के लिए, सामाजिक स्थिरता के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो कुल मिलाकर इस चर्चा से ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि फेसबुक को नियंत्रित करने की, रेगुलेट करने की जरूरत है। जी हाँ। तो अब आप आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अपनी किताब के जरिए आप फेसबुक का कौन सा चेहरा दिखाने जा रहे हैं? हम दिखा रहे हैं जो असली जो चेहरा है। आप किताब पढ़िए, हमारे जो वेबसाइट है theasleyfacebook.com, वहां जाइए। इसमें हमने विस्तार से बहुत सारे उदाहरण देके समझाया विश्व में क्या हो रहा है और भारतवर्ष में क्या हो रहा है, और किस तरह से ये जो माध्यम है इसका दुरुपयोग हो रहा है। ये जो अंग्रेजी में हमारा जो हिंदी में हम कहते हैं कि कैसे सोशल मीडिया प्रोपोगंडा बन गया और हथियार और फर्जी सूचनाओं की प्रसार का माध्यम बन गया, यही है ये किताब के विषय है, आप जरूर पढ़िए। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस किताब को पढ़िए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है किताब। बहुत बहुत शुक्रिया परंजॉय हमसे बात करने के लिए, इस किताब पर चर्चा करने के लिए और सोशल मीडिया पर हमारी जानकारी बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच पूर्णिमा, धन्यवाद।